हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पीजीटी 2016 के रिक्त पदों पर काउंसलिंग से संबंधित न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरीके की नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह न्यूज़ दैनिक जागरण ई पेपर के प्रयागराज शहर के संस्करण में 30 जुलाई 2023 को प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार पीजीटी 2016 के रिक्त पदों पर 2 को काउंसलिंग, अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता संभाग पीजीटी 2016 की भर्ती परीक्षा के रिक्त पदों पर अवशेष पैनल प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव के निर्देश पर इस भर्ती के रिक्त पदों का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज ने करा लिया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग विषय के रिक्त मिले 110 पदों पर काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय में 2 अगस्त को पूरी कराई जाएगी। यह पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2016 प्रवक्ता के अंतर्गत मूल चयनित अभ्यर्थी के आवंटित संस्था में कारोबार ग्रहण न करने से रिक्त हैं। इसमें हिंदी, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, कला, रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय शामिल हैं। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार ने बताया कि काउंसलिंग के लिए कुछ श्रेणियों में अवशेष पैनल में अभ्यर्थी नहीं है। ऐसे में काउंसलिंग के लिए करीब 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अभ्यर्थी अपना गुणांक, कट ऑफ और रिक्त पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट www.madhyamiksikshak.upsdc.gov.in पर देख सकेंगे। तो इस वेबसाइट पर अलग से कट ऑफ का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसे आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, और इसी तरीके की नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू।